हम आए हैं अनिनिका मार्केट घूमने। चलिए आपको ये मार्केट दिखाता हूँ मैं। छोटी दुकानें हैं, मोस्टली जनरल स्टोर्स है, वाइन शॉप है। आपको बता दूँ अरुणाचल में अल्कोहल काफ़ी सस्ती होती है। यहाँ पे आप रोइंग के लिए गाड़ियाँ वगैरह भी बुक कर सकते हैं, सब्ज़ियाँ भी ख़रीद सकते हैं। सारे मल्टीपर्पज़ स्टोर है, कपड़ा भी वहीं पे बेच रहे हैं, सब्ज़ियाँ भी वहीं पे बेच रहे हैं। छोटे शहरों की, छोटे जगहों की ना अपनी एक खासियत होती है, एक बहुत ही इनोसेंस होता है, लोग बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस, वेरी हॉस्पिटेबल। एंड कम्युनिकेशन जो दूसरे स्टेट्स में हमें दिक्कत होती है, यहाँ पे सबको हिंदी आती है। मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, बट हिंदी तो सबको आती है। हेलो, हाय बेटा, टिक 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 टिक, हाउ आर यू? मम्मी बलून बना रही है। टाटा टाटा टाटा। अच्छा, दे दीजिए बलून। लोकल सब्जियां ये हमारे यहाँ पे भी मिलती है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि कुछ यहाँ की लोकल जो स्पेशलिटीज़ है, अगर कुछ सब्जियाँ वगैरह मिल जाए। ये मोरोलेस तो सब्जियाँ वही है जो हमें भी मिल जाती है। ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, गिनके 15-20 दुकानें हैं इस मार्केट में। और ये दुकानें मतलब 6:30-7 बजे सब बंद हो जाता है। सो इफ़ यू एक्सपेक्टिंग दैट यहाँ पे नाइट लाइफ वगैरह कुछ नहीं होती, नाइट लाइफ इज़ वेन यू गो हैव अ ग्रेट टाइम विद फैमिली, फैमिली के साथ रहिए, वही यहाँ का नाइट टाइम है। इट इज़ एक्चुअली गुड, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है सुबह 4:30 बजे हो जाता है और शाम जो है अंधेरा जो है 6 बजे तक हो जाता है, 5:30-6 बजे अंधेरा हो जाता है। सो दिस नथिंग मच टू डू, शॉप्स 6:30-7 बजे तक खुली रहती है। बट अमेजिंग, हम वहाँ से चलते हुए आए, ये सारी दुकानें यहाँ पे, और ये रहा मोड़। हर जगह पे फ़ोन नंबर दे के रखे, लेकिन भैया यहाँ पे फ़ोन ही काम नहीं करते, नेटवर्क इज़ अ बिग इशू। फ़ोन यहाँ पे नहीं लगता है, BSNL का लगता है, लेकिन वो भी वही है, नेटवर्क मिले तो आपकी खुशनसीबी है। हमें 3 दिन के बाद आज हमने घर को कॉल किया है, बट अच्छा है, फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, वी आर ऑन अ गुड ब्रेक। ऑलराइट गाइस, मार्केट तो मोटा मोटा यही है, देखते हैं अभी आगे निकलते हैं, क्योंकि हमें मीपी भी जाना है। सो आई थिंक विल जस्ट गेट रेडी, गो बैक, पैक आवर स्टफ। बाइक पे जाना है तो बाइक्स अरेंज करनी है और वो करके हम मीपी निकलते हैं। बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा, एक बात मैंने नोटिस की है। सो वी वेंट टू एक, मेरे ख्याल से 4th स्टैंडर्ड में हम जब गए थे तब लड़कियों की तादाद काफ़ी कम थी, और जब मैं 8th स्टैंडर्ड के क्लास में गया वहाँ पर लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी। मतलब as we go higher, you know, the girls were dominating, so that was a good sight to see. All right, chalo, nikalte hain yahan se, aage badhte hain, update karta rahunga. Mujhe meri baaki sare dost chhod ke kahan chale gaye, unko dhoondta hu aur batata hu, jo jaisa hoga aapko dikhate rahunga. Tab tak ke liye subscribe, like, share, kya baar baar repeat karna padta hai. पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आया तो भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। होता है ना फैमिली में, होता है ना कुछ चाचा ताऊ के बेटे मामा, किसी के साथ आपकी जमती नहीं है, बट क्या रिश्ता तो निभाना होता है ना, कर लीजिए, मौका दीजिए रिश्ता निभाने का। अच्छा नवा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अभी आपको मैं पूछता हूँ। मैंने सुना है पहाड़ों में ना भूत बहुत होते हैं, भूत आपको आपने कभी देखा इतना पहाड़ में घूमते हैं? इतना घूमते हैं तो भी हम देखा भी नहीं, देखा नहीं, देखा नहीं। बचपन में तो वो लोग, वही पिताजी तो कहानी बोलता है। बताइए कौन सी कहानी थी, भूतों वाली कहानी? भूतों वाला तो एक